हरे माधव। सभी राबट वासियों ने सतगुरु साहिबान जी के श्री चरणों में विनय अर्ज किया। सतगुरु साहिबान जी, 14 वर्ष हो गए हैं सत्संग हरे माधव का राबट लाइन में होते हुए, हमें दया कृपा रहमत बख्शें कि हम सब मिलकर के एक बड़ा सत्संग दरबार साहिब में करें। अपार कृपा, अपार कृपा हुई सतगुरु साहिबान जी की। उन्होंने वह भेद खोला जिससे हम अनजान थे। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी की हजूरी में खुद साईं जी ने वहाँ रबर लाइन में आते और सेवकों के ऊपर दया कृपा जो करते, सतगुरु साहिबान जी ने वही भेद खोले कि वहाँ पहले कोई नहीं बसता था, अब तो माला माल रबर लाइन पूरा भर गया है और एकता, एक होकर के काम करें, सब एक बन करके आए। भंडारा भी होगा और सत्संग भी होगा। साहिबान जी ने बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी आशीष थी जो हम उसके शब्दों को दोहरा तो सकते हैं लेकिन हम सब अपने ऊपर उसको अमल करें, सब हम एक बन करके और आगे सतगुरु जा साहिबान जी के वचनों पर हम अमल करें। सतगुरु साहिबान जी ने वही भेद खोले जो साईं नारायण शाह साहिबान जी ने जो वचन फरमाए थे, आज उन्हीं का रूप स्वरूप साईं ईश्वर शाह साहिब जी वही भेद बताया, वही भेद खोला जो हमें सुन करके बहुत अच्छा और बहुत सुंदर भी लगा। खुद साईं नारायण शाह साहिब जी के रूप में साईं ईश्वर शाह साहिब जी विराजमान हैं आज। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, मोरे मन चले माधव। सतगुरु के चरणों में नमस्कार।